subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज सुमैरा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है आज का. जैसे कि आप लोगों को पता है कि फंगल इन्फेक्शन स्कैट को जब होता है तो बहुत सी प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है. तो आज इसी टॉपिक पे ये वीडियो है. तो डोंट फॉरगेट टू वॉच फुल वीडियो. कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कैट, इसको अभी फंगल स्टार्ट हुआ है. मतलब ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, इसको पहला डोज लग चुका है. और जो ट्रीटमेंट मैं अभी बताने वाली हूँ आप लोगों को, ये इसका सेकेंड डोज है. आपको ये डोज थ्री टाइम्स करना है मंथली. और उसके बाद आप देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन पूरा क्योर हो जाएगा. तो जैसा कि आपको ये वीडियो में दिख रहा है, ये सब फंगल इन्फेक्शन की निशानी है. ये रिंग वॉर्म है, इसके बीज है, एंड ईयरमाइट्स और आइस के ऊपर रिंगवॉर्म आना, ये सारे फंगल इन्फेक्शंस है. अगर आपको आपकी कैट इस तरीके से कहीं भी उसके हेयर लॉस हो रहा है और इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो आपको समझ लेना है कि कैट को फंगल इन्फेक्शन हुआ है. तो जैसा कि आपको अभी कैट दिख रहा है, मैंने इसको कैटाक्लोर शैम्पू से बाद दे दिया है. एंड ये शैम्पू वेयरबैक कंपनी का है. ये कुछ 347 रुपीज़ का है. एंड ये आपको कोई भी पेट शॉप पर मिल जाएगा. तो अभी हमने बात दे दिया है, अब मैं इसको फुली ड्राई करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि आपको आगे क्या ट्रीटमेंट कैसे करना है. कैटाक्लोर से आपको नहलाना है, कैट को अच्छे से फुली ड्राई करना है. एंड हम ड्राइंग के लिए पूरा टाइम लेंगे और प्रॉपरली ड्राई करेंगे अपने कैट को, ताकि हमारा कैट फुली ड्राई हो. उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी कि हमें क्या करना है. इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग को एग्जैक्टली समझ में आए कि फंगल इन्फेक्शन को हमें किस तरीके से टैकल करना है और कैसे डील करना है. तो हमेशा ड्रायर में कैट थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है. मेक श्योर कि आप प्रॉपरली ड्राई करें और पूरा हमें ड्राई करना है. कुछ भी कहीं भी हमें कैट को गीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी विंटर्स है, विंटर केयर हमें प्रॉपर लेनी है. मेक श्योर कि आप दोपहर में ये चीज़ करें, ना कि शाम में, क्योंकि अगर आप शाम में करेंगे तो कैट को ठंड लग सकती है. और आप मतलब जो नॉर्मली अभी हमारे पास तो ड्रायर थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है, आप लोगों के पास नॉर्मल ड्रायर होता है, जिस वजह से कैट प्रॉपरली नहीं सूख पाता है. सो मेक श्योर कि आप जो भी ड्रायर यूज़ करें वो अच्छे से अच्छा हो, ताकि कैट प्रॉपरली ड्राई हो जाए. तो हम इसको पूरा अभी ड्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है. ओके, तो कैट अब हमारा थोड़ा सा ही ड्राई होना बचा है. अब ये फुली ड्राई हो जाएगा थोड़ी ही देर में. चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ हमें क्या लेना है और हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है. ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एडवोकेट है, ये कंपनी बेयर की है.
एंड जैसा आपको ये वीडियो में दिख रहा है, ये कुछ आपको 880 का पड़ेगा। फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, लेकिन ये 880 का कॉस्टली आता है। अगर हम रेवोल्यूशन को कंपेयर करें तो रेवोल्यूशन जो है वो थोड़ा 600-700 की रेंज में आता है और ये 880 का आता है, बट इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो हमें अब इसको ओपन करेंगे हम, और मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने केजी के लिए यूज़ होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक ट्यूब है और इसके ऊपर लिखा है 4 केजी का, हमें 4 केजी के कैट के ऊपर हमें ये पूरा एक ट्यूब अप्लाई करना है। इन केस हमारे पास छोटा कैट है या किटन है तो हमें इसका हाफ पोर्शन अपने कैट के ऊपर अप्लाई करना है, और हाफ हम 15 डेज बाद या 20 डेज बाद करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास जो है कैट वो 4 केजी का है, तो आई विल अप्लाई द होल ट्यूब। चलिए मैं आपको बताऊंगी इसका तरीका कैसा लगाना है। सो, अभी आप दिख रहे हैं कैट पूरा फुली ड्राई हो चुका है, कहीं भी कैट के बाल गीले नहीं हैं। ये प्रोसेस आप शैम्पू के बाद ही करें तो बेटर है, क्योंकि आपको पहले एंटी फंगल बाथ देने पड़ेगा, उसके बाद ही ये अप्लाई करना पड़ेगा। हम ये 2 पोर्शन पे अपने कैट के ऊपर ट्यूब डालेंगे। मैं वो 2 पोर्शन को कट कर लेती हूँ ट्रिमर के ज़रिए। मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस तरीके से ट्रिम करना है वो एरिया जहाँ पे हम ये लिक्विड पुट करेंगे। तो हेड क्योंकि ये हेड के ऊपर, इसलिए क्योंकि कैट पलट के ट्यूब को चाटना नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ का थोड़ा सा पोर्शन ट्रिम कर लूँगी ताकि मैं ट्यूब को ईजीली अप्लाई कर दूँ, और मैं नीचे के पोर्शन में भी वही सेम चीज़ करूँगी। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा हेड के ऊपर कैट को ट्रिम कर लिया है ताकि ईजीली ट्यूब स्किन के अंदर चले जाए, वरना ट्यूब फर के ऊपर रह जाएगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ट्रिम कर लिया है। अब मैं नीचे के पोर्शन को ट्रिम करूँगी और आपको दिखाऊँगी। अब तेल के ऊपर का पोर्शन है, अब हम यहाँ तेल के ऊपर का पोर्शन को हम ट्रिम कर लेंगे, फिर हम इजीली यहाँ पर भी ट्यूब अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से दोनों तरफ से हेड के ऊपर और टेल के ऊपर साइड में ट्रिम किया है। दिख रहा है आपको, स्किन इजीली दिख रही है, और यहाँ ऊपर में भी यहाँ फंगल है। मेक श्योर कि हम ये वाले पोर्शन पे ट्यूब ना अप्लाई करें, हमें स्किन पे अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ इसे फंगल दिख रहा है तो हम वहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, साइड में करेंगे। और ये पोर्शन जो मैंने इतना ट्रिम किया है, तो अप्लाई करेंगे हम ट्यूब को। तो देखिए कैसे हमें अप्लाई करना है। सो, मैंने ये ट्यूब को ओपन कर लिया है। और हम धीरे धीरे करके अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि हमें सिर्फ एकदम से स्क्वीज करना है, बहुत धीरे धीरे डालना है हमें। जैसे कि आपको दिख रहा था, मैंने पूरी लाइन में ट्रिम किया है, तो मैं वो लाइन पे डैप कर रही हूँ, और मैं खुद ही सुखाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ ताकि वो वहीं की वहीं एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमने दोनों पोर्शन के ऊपर डाल दिया है, और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि वहाँ पर कैट को ऑलरेडी मार्क है, तो हमें ज़ख्म पे नहीं लगाना है, हमें उसके बाजू लगाना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, फिर कैट बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करेगा। तो ये पूरा मैंने ट्यूब स्क्वीज़ कर दिया है, मैं आपको दिखाऊंगी ये एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, क्योंकि अभी गीला है और हमें इसके सूखने का वेट करना है ताकि कैट इसको पलट के ना चाटे और ये बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सो, ये पोर्शन पे आपको ट्रिम करना है और कैट पे अप्लाई करना है। अभी ये कैट का फंगल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह। अभी नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बताऊंगी जहाँ पे इसका फंगल टोटली ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके सिर्फ 2 डोज लगे और टोटली फंगल ख़त्म हो गया है। और हम तीसरे के लिए भी जाएंगे, बिकॉज ये 3 मैंने जहाँ तक के अपना एक्सपीरियंस देखा है, मैंने 3 ट्यूब्स डाले हैं तभी कैट को अच्छी रिकवरी मिली है, हेयर फॉल कम हुआ है, और जो कि हमें देखने मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट मल्टीविटामिन ये कैट को हमने रेकमेंड किया है, जो कि अच्छे से वो खा रहा है और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और अभी बहुत ही कम हेयर फॉल हो गया है। क्योंकि अगर आप पहले इसका वीडियो देखे होते तो कैट को बहुत हेयर फॉल था। शैम्पू आपको ये यूज़ करना है, एडवोकेट आपको ये वाला यूज़ करना है कैट का, और देखेंगे आप फंगल के रिजल्ट्स बहुत ही इजीली आपको इजीली ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और
प्लीज़ मेक श्योर कि फंगल का ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम कर दें, क्योंकि ये हमें भी होता है। मैं पिछला वीडियो बना चुकी हूँ कि हमें होता है। मेक श्योर कि आप ध्यान रखें और कैट को अच्छे हेल्दी रखें। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और जो भी आपके जो भी परेशानी है, जो भी कैट के रिलेटेड परेशानी है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Do love this video, do subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye-bye.